हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रीन टॉक चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूल सेल। दोस्तों, फ्यूल सेल के अंदर हम ये कवर करेंगे कि फ्यूल सेल होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और इसके साथ ही हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात भी करेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस तरीके से काम करता है और ये होता क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूल सेल एक सेल की तरह ही डिवाइस होती है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी। दोस्तों, फ्यूल सेल के अंदर हमको दो मेन फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोजन होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में वहां पर आती है तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि बाय प्रोडक्ट हमको H2 वाटर मिलता है और एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको कि यूटिलाइज किया जाता है जैसे ईवी व्हीकल्स चलाने में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी काम में हम उसको यूज करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बनती है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर होता क्या है कि ये दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, एक एनोड और एक कैथोड। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन आता है। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और अब जब दोस्तों इसके अंदर रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, दोस्तों आप जानते ही होंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम फ्यूल सेल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूल सेल्स में कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है, तो ये टोटली ग्रीन एनर्जी होती है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें फ्यूल इकोनॉमी की, दोस्तों फ्यूल सेल की जो इकोनॉमी रेट होता है दोस्तों, वो अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में दुगना होता है। अदर फ्यूल्स का मतलब पेट्रोल, डीजल, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा इसमें से। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दोस्तों इनको लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको कोई भी इसके अंदर किस कैसी भी आपको अगर क्वेश्चनिंग है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।